अब यहां पे देखो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप। अब मैंने सिंपल चीज लिख के रखी थी, याद करो, v इज इक्वल टू, अपने तीन बेसिक फॉर्मूले, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt और a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। पहले दो बेसिक लिखते हैं, a इज इक्वल टू v dv अपॉन ds भी है, लेकिन अभी के लिए ये लिखते हैं, ठीक है। चलो अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, आप खुद ही बोल दोगे, खुद ही बोल दोगे, ठीक है। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये पॉइंट है 0,0 और टाइम t इज इक्वल टू लेट्स से ये है मेरा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट की वैल्यू दी है लेट्स से 10,2, ठीक है। तो बोला है कि वेदर, यहां पे ये st ग्राफ दिया है मुझे, फाइंड वेलोसिटी, ठीक है। मुझे बोला यहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कांस्टेंट है नॉन कांस्टेंट है। अब कोई बोलेगा सर st ग्राफ दिया है मुझे, वेलोसिटी कैसे मिलेगा, हाउ आई गेट वेलोसिटी। मुझे एक बात बताओ, इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप कितना, स्लोप बताओ फटाफट क्या होगा, व्हाट इज स्लोप, तुम लोग स्लोप कैसे निकालोगे, इसमें स्लोप कैसे निकालोगे, तुम बोलोगे सर ये है 10, ये है 2, तो tan थीटा से निकालो यार स्लोप, 10/2, तो स्लोप की वैल्यू 10/2 मतलब 5। कोई बोल सकता है व्हाट इज स्लोप, मुझे पता है कोई बोल सकता है व्हाट इज स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो कोई बोल सकता है कि इसका डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, ds अपॉन dt, तो ds अपॉन dt की वैल्यू तुम्हारी इधर से देख के कितनी आई, 5 आई। लेकिन कोई बोल सकता है व्हाट इज ds अपॉन dt, अरे ds अपॉन dt ही तो स्लोप है, वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो मुझे बताओ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई गाइस, तो इस केस में वेलोसिटी कितना आया, v कितना आया, 5। अब v मुझे बताओ 5 है, वेलोसिटी यहां पे पूरे के पूरे टाइम में 5 है, वेलोसिटी 5 है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है या बढ़ रही है। गाइस मैंने कुछ गलती किया, एक मिनट, सॉरी, 2/10, ठीक है, ये 2/10 पॉइंट, सॉरी। तो मुझे बताओ यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी यहां पे 5 आई, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट आ गई। तो मतलब मुझे बताओ एसटी ग्राफ, ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, एसटी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या मिल गया, डेरिवेटिव क्या मिल गया मुझे एसटी ग्राफ का, डीएस अपॉन डीटी, एसटी ग्राफ का डेरिवेटिव मुझे क्या मिल गया, v मिल गया, v वेलोसिटी मिल गई, बराबर ना। बराबर, क्योंकि स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, फिर मैं एक रूल बनाऊंगा, एक छोटा सा और एग्जांपल, ये है मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, और मैंने बोला ये वाला पॉइंट लेट से लेते अपन कुछ 0,4 और ये वाला पॉइंट लेते 1,0, ठीक है। बताओ मुझे यहां पे क्या मिलेगा, मुझे बताओ इसका स्लोप क्या होगा, व्हाट इज स्लोप, स्लोप कितना होगा इसका, बोलो बताओ स्लोप कितना होगा इसका, स्लोप कितना होगा, 4 डिवाइड बाय 1 मतलब कितना, -4, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, -4, इतना समझ में आया। बट व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या होता है, वीटी ग्राफ का स्लोप मतलब क्या, डेरिवेटिव भाई, डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप नथिंग बट डेरिवेटिव। तो डीवी अपॉन डीटी की वैल्यू कितनी आई, -4 आई। कोई बोल सकता है व्हाट इज डीवी अपॉन डीटी, अरे डीवी अपॉन डीटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो मुझे बताओ इसका मतलब, मुझे यहां पे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिल गई, -4। तो एक्सेलरेशन -4 मतलब क्या है गाइस, एक्सेलरेशन मतलब क्या है, यहां पे रिटार्डेशन है कि नहीं है, तो यहां पे क्या है, रिटार्डेशन है बिल्कुल, देयर इज अ रिटार्डेशन हियर। और आप देख भी सकते हो, अरे ग्राफ जिसको देखने को आता है, जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी कम होते जा रही है, देखो कम होते जा रही है, जैसे टाइम 1 हो गया वेलोसिटी 0 होगी, बराबर कि नहीं,
सो यहां पे रिटार्डेशन है, डीएक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन है या रिटार्डेशन है, समझ में आ रहा है गाइस? एसटी वीटी, अब ये आपको एक पेज पे लिख के रखना है और हमेशा काम में आएगा, एसटी वीटी एटी। मुझे बताओ एसटी का स्लोप क्या होगा, व्हाट इज स्लोप, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ क्या देगा मुझे, स्लोप ऑफ एसटी, कोई भी एसटी का ग्राफ होगा, ये ग्राफ है ठीक है गाइस, ये ग्राफ्स है, एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ। मुझे बताओ स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, जैसे मैंने सपोज एसटी ग्राफ को ड्रॉ किया, ये मेरा कोई एसटी ग्राफ है ठीक है, मैं भी कोई भी ग्राफ ड्रॉ करता हूं, लेट्स से मैंने ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ किया, चलो एसटी ग्राफ ठीक है, तो एसटी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, व्हाट इज स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, स्लोप का डेरिवेटिव, स्लोप मतलब क्या लिखेंगे अपन, डीएस अपॉन डीटी, कोई बोल सकता है डीएस अपॉन डीटी मतलब क्या, डीएस अपॉन डीटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ठीक है, तो मुझे यहां से क्या मिल गया ठीक है, स्लोप ऑफ एसटी gives you what वेलोसिटी, ये समझ में आया, कभी भी एसटी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा, कोई दिक्कत। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, मुझे तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ सपोज इसका स्लोप क्या होता है, कोई भी वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, डीवी अपॉन डीटी, डीवी अपॉन डीटी मतलब क्या, व्हाट इज डीवी अपॉन डीटी, एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन, सो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि डीवी अपॉन डीटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। हाँ, कोई बोल सकते हैं एटी ग्राफ का क्या, मतलब ये वीटी ग्राफ चाहिए तो ड्रॉ करके रखो ऐसे, वीटी ग्राफ है, एटी ग्राफ का क्या है, एटी ग्राफ का कुछ स्लोप है क्या, मैं आप इसलिए इसके दूसरे कलर में लिखता हूं, इसका मैं स्लोप लिखूंगा तो ये हो गया डीए अपॉन डीटी, डीए अपॉन डीटी कोई क्वांटिटी है क्या वैसे, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन अभी तक कोई ऐसे कुछ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन बोल सकते, किसी ने पूछा तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, बट देयर इज नथिंग लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है अलग से राइट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब ये इसको, मतलब तो ध्यान में रखना स्लोप ऑफ डीए बाई डीटी देता है, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, इतना ही लिख के रखो, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं इससे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, तो बेसिकली कैसे कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने अलग कलर में लिखा है। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ एटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन देते हैं, विच इज नथिंग, कोई बोल सकता है ये क्या है, मतलब मुझे होता है ग्राफिक, ये तो मैंने ग्राफ ड्रॉ करके रखा है, लेकिन कोई बोल सकता है इसको कि क्या क्या चीजें हैं, मतलब जैसे यहां पे देखो, ऐसे यहां पे देखो टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है गाइस, ये वीटी ग्राफ है, सिर्फ ग्राफ है, टाइम बढ़ रहा है, वैसे वेलोसिटी भी क्या हो रही है बताओ मुझे, मतलब ऐसा देखो इस क्वेश्चन को एक्चुअल मुझे सॉल्व, मतलब मुझे रिलेट करना है, तो ऐसा बोलते हैं कार इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कार अपना ना देखो अभी फिजिक्स देखो, फिजिक्स देखो, कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कार अपनी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है ठीक है, तो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तब मुझे तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी थी कार की, जीरो थी, फिर जैसे ही टाइम बढ़ते गया वेलोसिटी बढ़ते गई, मुझे तो टाइम टी इक्वल टू टू पे वेलोसिटी कितनी है कार की, अरे कार की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कार आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, टू सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड हुआ, उसके बाद 2 to 4 टाइम जब 2 to 4 था कार की वेलोसिटी कितनी रही, तो वेलोसिटी क्या रही यहां पे, कार की वेलोसिटी क्या रही, कॉन्स्टेंट 10 ही रही ठीक है, तो कार बड़ी मतलब पहले जीरो पे थी 10 मीटर पर सेकंड पे पहुंची, फिर कांस्टेंट रही, उसके बाद क्या हुआ, कार का स्पीड क्या हो गया बताओ, कार का वेलोसिटी क्या हो गया, कम होते 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 कितना हो गया, टाइम टी इक्वल टू 6 पे कितना हो गया कार का स्पीड, वापस जीरो हो गया, रिड्यूस होकर जीरो हो गया, तो ये तो एक्चुअली क्वेश्चन है, मतलब ये एक जनरल, मतलब वन डायमेंशन मोशन मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये वन डायमेंशन मोशन का क्वेश्चन है, जिसको मैंने ग्राफ में कन्वर्ट करके रखा है, 1D मोशन जिसको मैंने ग्राफ में कन्वर्ट किया ऐसे। चलो मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैं तो जस्ट आपको एक फिजिक्स इसके साथ जोड़ दिया था आपको, अब एक काम करते गाइस, फाइंड एक्सेलरेशन, यहां पे बोला है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार, इसका मुझे बताओ एक्सेलरेशन, बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार, इसका स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देगा, तो मुझे बताओ इसका स्लोप कितना है, यहां पे मैं स्लोप की वैल्यू लिखते, इसका स्लोप कितना है,
ठीक है, इसका स्लोप लिखता हूं m1, कितना है यहां पे 10 डिवाइड बाई 2, कितना है आंसर, ये 10 डिवाइड बाई 2 आंसर कितना है 5। इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है इस लाइन का 0। कोई बोल सकता है इस लाइन का स्लोप कितना है m3, इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप ये m मतलब स्लोप है गाइस, ये स्लोप है m1 m2 m3, इसका स्लोप कितना है। कोई बोलेगा सर ये देखो ये 10 है और ये 2 है, 2 एंड 4 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 आंसर कितना हुआ, 10 डिवाइड बाय 2 आंसर कितना हुआ 5, लेकिन ये ऐसा है ऐसा तो -5, तो स्लोप इसका कितना है -5। सबको समझ में, tan थीटा यूज करके किया मैंने, इधर भी देखो ये है 10 ये है 2 तो इसका भी स्लोप कितना हुआ 5, तो इसका स्लोप हुआ 5, इसका हुआ -5, इसका हुआ 0। तो मुझे बताओ स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, अरे स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू व्हाट, एक्सेलरेशन। क्यों स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन, क्योंकि ए की वैल्यू क्या होती है, डीवी अपॉन डीटी होती है, सिंपल ये इसका रीजन है, दिस इज द रीजन, बराबर। तो मुझे बताओ यहां पे स्लोप इसका कितना आया, इसका स्लोप मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना आया, तो यहां पे इसका एक्सेलरेशन आया 5, यहां पे इसका एक्सेलरेशन आया 0 और यहां पे इसका एक्सेलरेशन आया -5। आपको समझ में आया, तो मुझे तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, हाँ, लेकिन मुझे बताओ टाइम t इज इक्वल टू 0 से 2 पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a इज इक्वल टू 5 है, तो 0 से 2 पे मैं सपोज इस लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करूं a इज इक्वल टू 5, तो 0 से 2 पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है, कांस्टेंट, 0 से 2 पे कांस्टेंट, 2 टू 4 पे 0 मतलब कांस्टेंट, एंड यहां पे 4 टू 6 पे कांस्टेंट, बट एक्चुअल पूरा 0 से 6 में वेरिएबल, पार्ट बाय पार्ट इज वेरिएबल, मतलब थ्रू आउट टाइम में वेरिएबल है। तो कोई बोल सकते गाइस मैंने वीटी ग्राफ को ड्रॉ किया, इफ आई वांट यू टू ड्रॉ एटी ग्राफ कैसे करेंगे, कोई बोल सकते हैं एटी ग्राफ कैसे होगा, एटी ग्राफ ठीक है, मैं यहां पे एटी ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, चाहिए तो यहां पे देखो मैं यहां पे नीचे एटी ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन टाइम। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स तक, ये 2 सेकंड्स 4 सेकंड्स 6 सेकंड्स, तो कोई बोल सकता है 0 से 2 सेकंड्स तक एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू 5 थी, ए की वैल्यू 5 कांस्टेंट मतलब ए वर्सेस टी तो ये थी 5, ये समझ में आ रहा है कैसे एक्सेलरेशन तो हमें यहां पे चाहिए, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी 5, तो ये 5 थी इधर तक, फिर 2 टू 4 एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी 0, देखो ये ग्राफ भी आपको ड्रॉ करने को आना चाहिए 0, और 4 टू 6 में कहां पे थी, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू कितनी थी गाइस -5, ए की वैल्यू कितनी थी -5। तो गाइस ये थोड़ा सा समझने को कभी कभी डिफिकल्ट है, जिनका मैथ्स वीक है, जो मैं आपको यहां पे ड्रॉ किया है, ये मैंने वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ को आपको ड्रॉ करने को सिखा दिया। छोटा सा क्वेश्चन, मैंने बोला एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम बढ़ रहा है, लेट्स से टाइम टी इज इक्वल टू लेट्स से हो गया यहां पे 2 और डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो गई लेट्स से 20 मीटर और ये सब टाइम हो गया लेट्स से ये क्या लिखते हैं अपने को, कुछ भी लिखते हैं, चलो 5 नहीं 6। तो मुझे बताओ यहां पे, अभी मुझे बताओ यहां पे इसका स्लोप मुझे क्या देगा, फट करके कोई बताओ, ये टाइम है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, अरे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या मिलेगा, स्लोप से क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, सिंपल, अरे तुमको पता है ना यार। तो इसका स्लोप किसने बोला सर इसका स्लोप कितना है, तो इसका स्लोप में लिखता हूं m1 की वैल्यू कितनी है, ये सपोज आ गया 20, ये हो गया 2, तो 20 डिवाइड बाय 2 आंसर कितना है 20 बाय 2 10। कोई बोलेगा सर इसका स्लोप कितना है m2, इसका स्लोप कितना है 20, 2 और 6 ये कितना है 4, ये 4 है तो 20 बाय 4, ठीक है, मैं जस्ट लिख के रखता हूं यहां पे, ऐसे लिखता हूं तुमको समझने के लिए मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ये 20 बाय 4, ठीक है, तो आंसर कितना है 20 बाय 4 मतलब आंसर कितना आया 5।
तो इसका स्लोप है 10, इसका स्लोप है 5, कोई दिक्कत इसमें? नाउ व्हाट स्लोप गिव्स यू व्हाट्स द स्लोप, मतलब सॉरी माइनस 5, सॉरी गाइस माय मिस्टेक. तो ये 10 और ये माइनस 5, मुझे होता व्हाट इज स्लोप गिव्स यू, स्लोप इज व्हाट, स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब क्या, डीएस अपॉन डीटी, इसका मतलब क्या वी. तो आपको पता है स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव यू वेलोसिटी. तो यहां पे मुझे मेरी वेलोसिटी कितनी आई बताओ मुझे, और इसकी यहां पे वेलोसिटी कितनी आई, 10 आई. यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी आई, माइनस 5 आई. तो मुझे तो एसटी ग्राफ दिया है, तो एसटी ग्राफ का डेरिवेटिव क्या देगा, वीटी ग्राफ. तो कोई बोलेगा सर चलो वीटी ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, तो यहां पे वीटी ग्राफ क्या होगा इसका, तो टाइम टी इक्वल टू 2 लेते हैं, यहां पे टाइम टी इक्वल टू 6 लेते हैं, तो टाइम टी इक्वल टू 2 तक इसकी वेलोसिटी कितनी आई. कोई बोलेगा सर वेलोसिटी टाइम टी इक्वल टू 2 तक कितनी थी, 10 थी, तो 10 मीटर पर सेकंड था. फिर 2 टू 6 पे वेलोसिटी कितनी थी, सडनली कितनी हुई, माइनस 5 हुई. समझ में आया क्या गाइस, सबको समझ में आया क्या, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई, माइनस 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये वाला तो ये ग्राफ हो गया. ठीक है, यहां पे लिखने का स्लोप मतलब डेरिवेटिव, सबको पता है. ठीक है, अब मुझे बताओ एसटी से वीटी ग्राफ, तो एसटी का ग्राफ दिया है, यहां से मुझे वीटी का ग्राफ निकालना है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव, सबको पता है. अरे मुझे बता ना एसटी से वीटी, अब आप इक्वेशन बताओ मुझे. अरे इक्वेशन में भी तो ऐसे ही करते थे, एसटी का इक्वेशन दिया है, अरे वीटी का इक्वेशन निकालना है, क्या करना पड़ता था, डेरिवेटिव. ठीक है, वीटी से नीचे जाओगे डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, अरे यही तो अपन पढ़ते थे, एटी ग्राफ. समझ में आ रहा है, तो एसटी से वीटी, वीटी से एटी जाना है तो कुछ नहीं, डेरिवेटिव करना पड़ता है, डेरिवेटिव नथिंग बट स्लोप, सिंपल सी बात. ठीक है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, और यहां पे a इज इक्वल टू आ जाएगा dv अपॉन dt. बस इसका ही तो काम मैंने किया, और तो कुछ नहीं किया मैंने. इसमें एक एग्जांपल, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको चाहिए तो ये भी लिख के रखो, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, मुझे तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा. मुझे तो सपोज ऐसे लाइन होगी तो इसका स्लोप क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मतलब ऐसा. मुझे बताओ ये हो गया वीटी ग्राफ, अब मुझे तो वीटी ग्राफ ऐसा सपोज कोई ग्राफ होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोई भी ऐसा ग्राफ होता है इसका डेरिवेटिव, इसका स्लोप कितना होता है, जीरो. तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेशन टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, जीरो.